बातें जहां पर इस घंटे दरअसल इनकी चाल थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव साइड पर आती हुई दिखाई दे रही है। ONGC इसका हमने मेंशन किया था, लेकिन चार्ट चेक अगर आप इस पर दे सके आशीष चतुर्मोता, कच्चे तेल में $85 तक के लेवल्स, ये ONGC के लिए एक फेयर प्ले रहता है तेजी का। 143 पर खरीदेंगे क्या? जनरली हर्षदा मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि हमने देखा है जब भी क्रूड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बेनिफिट ONGC को देखने नहीं मिला। अभी जो रीसेंट विंडफॉल टैक्स के बाद भी आपने देखा किस तरह की एक एक एक, एक, एक पॉलिसी रहती है जहां पर पे इस कंपनी के अंदर में बड़ा बेनिफिट आता नहीं है। तो डिविडेंड के तौर पर डेफिनेटली इंटरेस्टेड रह सकते हैं, बट ओवरऑल एक एक हमारा कोई न्यूट्रल बायस है। और टेक्निकली भी आप देखेंगे तो एक रेंज में है स्टॉक, 140 से 150 एक रेंज है। अगर से उस रेंज को प्ले करना है तो लोअर एंड ऑफ द रेंज है जहां पे 140 का स्टॉप लगाकर वापस 150 के लेवल दिख सकते हैं, बट बड़े ट्रेड की यहां पे संभावना मुझे कम नजर आती है। ओके, बड़े ट्रेड की संभावना कम है ONGC में, नजर रख सकते हैं आप उसमें, अग्रेसिव ट्रेड ना लें। लेकिन बाजार वही चाल अपनी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की दिखा रहा है, और इस घंटे जो ड्रैग कर रहा है ना निफ्टी के, एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेकर आइएगा। ITC पर अभी अभी एक शॉर्ट कॉल आया तो मेरी नजर गई आपके HUL पर। HUL में भी देखिए इस घंटे 2611 का स्तर आ चुका है, वहां पर एक हल्का डाउन टिक। नेस्ले इंडिया हल्के डाउन टिक के साथ। ब्रिटानिया में बिकवाली बस शुरू ही होती हुई दिखाई दे रही है, और टाटा कंज्यूमर करीब 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये बाकी FMCG काउंटर्स है जहां पर वीकनेस है। विकास, इन बाकी स्टॉक्स में भी क्या आपको कोई शॉर्ट का ट्रेड बूझ रहा है, लेना चाहिए कुछ मंदी का सौदा HUL या टाटा कंज्यूमर जो ज्यादा वीक है? जी हर्षदा, अगर HUL की भी बात करो तो यहाँ पे भी वीकनेस दिखा रहा है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग भी आप देखोगे तो 2620 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगा।